मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। मैं अविनाश, और ये जो सीरीज चल रही है वो ट्रिग्नोमेट्री की चल रही है। इस ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं और काफ़ी क्लासेस और होनी हैं, तो जो ऑलरेडी हो चुकी है उस चीज़ को आप वॉच कर सकते हैं। सो हर एक ट्रिग्नोमेट्री के उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम ले करके आ रहे हैं, जिसमें कि इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी नहीं है। बट अपने कॉन्सेप्ट से इसी प्रॉब्लम्स को काफ़ी ट्राई करते हैं कि काफ़ी इजी हो जाए। बट ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स के लिए फॉर्मूला 100% आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें कोई भी शॉर्टकट या ऐसा कोई ट्रिप्स नहीं है कि आप उस फॉर्मूले को लर्न ना करें और प्रॉब्लम को कर लें, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपको पहले फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। सो अगेन वॉज दिस क्वेश्चन, LHS में आपका tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1, एंड नाउ इन RHS 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट हमें ये निकल के आ रहा है, RHS में केवल cos थीटा है एंड LHS में tan थीटा और sin थीटा है। दैट मीन्स कि अगर tan को आपने sec में कन्वर्ट कर लिया तो sec ऑलरेडी cos में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम के। सो फ्रॉम LHS LHS tan square theta upon sec theta plus 1, tan square theta means sec square theta minus 1, it is the formula 1 plus tan square theta sec square theta, so tan square theta sec square theta minus 1 divided by sec square theta plus 1. Now a square minus b square means a plus b into a minus b, that's why sec theta plus 1 into sec theta minus 1 whole divided by sec theta plus 1. Now it is cancelled. So sec theta minus 1, sec theta means 1 upon cos theta minus 1. So 1 minus cos theta upon cos theta RHS. Now it's very simple. That means कि अगर आपके पास फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट है तो ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है, अदरवाइज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है।